नाज़रीन, इस वक्त मैं प्योर लिटी हिल है जो हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार के बिल्कुल पास है। ज़बान में कहते हैं इस्तांबुल में जब आप आएंगे, यहाँ की ट्रेडिशनल डिश होती है, जैसे हमारे यहाँ पराठा बनता है ना, उस तरीके से बनाते हैं। देखिए आप जल्दी, ये तवा गर्म होगा अभी। ये प्राइसेज हैं इसकी, मुख्तलिफ प्राइसेज हैं, 80 लीरा, 50 लीरा, 130 लीरा। आंटी माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं। इस ज़बान में कहते हैं गोज़ लमा, लिखा हुआ है गोज़ लमा। ये सफाई हो रही है। बंदा कारोबार करना चाहे, हलाल रोज़ी कमाना चाहे, उसके बड़े असबाब हैं। बस बेहतरीन, कोई लंबा चौड़ा कोई सेटअप नहीं है, छोटा सा सेटअप। इसने देखो, जैसे हमारी वालदा मोहतरमा बनाती थी ना, अम्मा बिल्कुल लग भी मेरी अम्मी की तरह रही है। आदा आदा मामा, आदा मामा, आदा मामा, मामा यू यू सेम। देखो ये देखो भाई, मेरी वालदा की तस्वीर हो, देखो ये मेरी वालदा की तस्वीर है, वो आंटी बिल्कुल मेरी वालदा की तरह लग रही है माशाल्लाह। ये देखो ये डाला है पालक डाली, ये पालक डाली, ग्रीन चिली, माफी ग्रीन चिली, ये इन आवर लैंग्वेज पराठा, इन अरबिक खुब्स, इन अरबिक फताहर, इन आवर लैंग्वेज इज खुब्स। ये पीसेस हो गए इसके। अब ये एक आप बनवा लें, पूरी फैमिली खाओ बैठ के। ब्यूटीफुल, देख रहे हैं आप। मिक्स वन आंटी, ओके नो प्रॉब्लम। पेशक कुरान पेशक कुरान भाई, ये डिलीशियस, बहुत मजा। रात खैरियत से ठीक हैं नाज़रीन, इस वक्त मैं प्योर लिटी हिल है जो हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार के बिल्कुल पास है। अच्छा, प्योर लिटी कौन था? एक फ्रेंच सोल्जर था जो यहाँ आया और वह इस्तांबुल की मोहब्बत में गिरफ़्तार हुआ, और यहाँ एक खातून थी उसकी मोहब्बत में गिरफ़्तार हुआ। तो उसने उस खातून से शादी करना चाही, तो उसके घर वालों ने कहा कि भाई तुम एक तो फ्रेंच हो और एक दूसरा क्रिश्चियन हो, तो इस वजह से वो शायर भी था। तो मैं आपको भी उसका घर दिखाता हूँ कि वो फिर इस पहाड़ी के ऊपर वो रहता था, और यहाँ पे उसने शेर व शायरी करना शुरू की, यहीं पे उसकी कब्र है। तो लेकिन उसके बाद से ही माशाल्लाह एक बहुत बड़ी ये हिल है, और एक अभी टूरिस्ट साइट बन चुकी है। आप आए, मैं आपको उसका वो दिखाता हूँ जहाँ पर वो रहा करता।
फिर यहाँ पे ब्यूटीफुल हाउस और वो उसका किचन होता था, अभी यहाँ पे कैफे है देखें, और ये सारा जगह देखें आप, और पूरा उसका ये घर था ये माशाल्लाह। क्या हाल है आपके? ठीक बहुत है? बढ़िया सर जी, मेरे तो मैं कहता हूँ नसीब ही खुल गए, इधर इस्तांबुल के पैसे पूरे हो गए, इधर आपसे मुलाकात हो गई। अभी आप मुझे कुछ बता रहे थे वीडियो देख सर जी, मैं आपकी वीडियो के जो है ना अक्सर जो वहाँ पे जाकर पोज करता हूँ और मैं स्टोरी बताता हूँ, इसका ये मतलब है, इसकी ये स्टोरी थी, तो फिर मैं आपके पुराने लेसन पे लेके जाता हूँ माशाल्लाह। और मैं बहुत सीख रहा हूँ, कहाँ मुलाकात हुई, फोन देखा होंगे पीछे पाकिस्तानी 500 रुपए रखे हुए ये सर जी हमने हमेशा के लिए याद रखी हुई है। नाम है रजा, नाम है।